हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। तो बेसिकली हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो देशबंधु कॉलेज की डीसीएसई की कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी हैं, साथ में आर्यभट्टा कॉलेज की टेंटेटिव कट ऑफ्स आ चुकी हैं। तो मैंने देशबंधु कॉलेज की फ़र्स्ट कट ऑफ को लास्ट ईयर से कंपेयर किया है एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस साल की कट ऑफ लास्ट ईयर से कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। तो इसी से हम दूसरे कॉलेज के कट ऑफ्स के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दूसरे कॉलेज के कट ऑफ कितनी इंक्रीज़ होने वाली हैं, ये इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर पसंद आए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। उसकी कट ऑफ की बात करूँगी। 2020 की अगर बात करी जाए लास्ट ईयर की, तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 95.25%, जो कि इस बार गई है 97%। तो कट ऑफ इंक्रीज़ हुई है 95.25% से सीधे 97% देशबंधु कॉलेज की, जो कि साउथ कैंपस का कॉलेज है और मतलब अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेजेस में से नहीं आता। तो आप टॉप कॉलेज का अंदाज़ा लगा लो कि हाँ इंक्रीज़ तो होने वाली है कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर थी 90% इकोनॉमिक्स ऑनर्स की ही और इस बार रही है 95%। एससी में लास्ट ईयर थी 80%, इस बार इन्होंने फर्स्ट कट ऑफ रखी है 90% ताकि ज़्यादा एडमिशन्स ना हो, जितने भी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेंट्स आएंगे सबको सीट मिल सके। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स की। लास्ट ईयर कट ऑफ थी इंग्लिश ऑनर्स की 94%, इस बार गई है 95%, लास्ट ईयर से 1% का चेंज है। ओबीसी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर थी 87% इंग्लिश ऑनर्स की ही, इस बार है 90%, 3% का चेंज है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर गई थी 85% फॉर इंग्लिश ऑनर्स, इस बार गई है 87%, 2% का चेंज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। हिंदी ऑनर्स की बात करी जाए तो लास्ट ईयर 80% गई थी, इस बार 82% आई है, 2% का चेंज हमें देखने के लिए मिला है। हिस्ट्री ऑनर्स में भी 2% का चेंज देखने के लिए मिला है, लास्ट ईयर 90% गई थी, इस बार 92% आई है। बात करी जाए अब हमारे पास पॉल साइंस ऑनर्स की, तो उसमें हमें 4% का चेंज देखने के लिए मिला है। जी हाँ, लास्ट ईयर थी 92%, इस बार गई है 96% जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स के कोर्सेज की, दैट इज़ बीकॉम ऑनर्स। तो लास्ट ईयर की जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी, फर्स्ट कट ऑफ थी, वो थी 95.25%, इस बार गई है 97%, 95.25 से 97% इतना इंक्रीमेंट आया है। ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात कहूँ तो लास्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए गई थी 89%, इस बार गई है 94%, 5% का इंक्रीजमेंट, जो कि एक बड़ी बात है। जी हाँ, एससी कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो लास्ट ईयर 80% थी, इस बार 90% है। तो आपको देखने के लिए मिल गया कि हाँ इंक्रीजमेंट तो आने वाला है। अगर कोई टॉप कॉलेज है या फिर कोई एवरेज कॉलेज है, कट ऑफ तो इंक्रीज़ होने वाली हैं। आप 1 से 2% मान के चलिए, 1 से 3% के बीच में इंक्रीजमेंट मान के चलिए, जो कि आपको देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट ईयर के कट ऑफ को चेक कर लीजिए, अगर अभी आपके जैसे, क्योंकि अभी DU के सभी कॉलेजेस के कट ऑफ नहीं आई हैं, तो होपफुली आप सभी का आपके फेवरेट कॉलेज में, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, उसमें एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू।